वीडियो में भाई को आपने देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी, भाई के पास से ही। इन्होंने ही मुझे पाला छोटे पैसे, और आप जो भी कुछ भी हों मैं इनकी वजह से ही हूँ। तो फिलहाल इनका ही सपोर्ट है, इनका हाथ मेरे ऊपर है, मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और इनका सपोर्ट मैं चाहता हूँ कि हमेशा बना रहे ऐसा ही। वीडियो देखते हो, इनका नाम पता है आपको? राम जी यादव जी है ये इनको हमारे पास 10 साल हो गए। यारे मेंढक की तरह बन गए, पैसे बड़े ही तरह, ये तो कमजोरी बना तगड़े हो जाएंगे। फिर देख रहे लड़का बहुत टैलेंटेड है और ज्ञानी, ज्ञान बहुत अच्छे बात, सारा ज्ञान मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है। मतलब दूसरा ज्ञान भी है देख रहा था, मुझे सारा ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ है। ज्ञान मुझे देख रहा था और रात का दिन वाला सारा ज्ञान है, तो आपको सारा ज्ञान देंगे, ठीक है? सारा ज्ञान आप देते रहिए उनसे, और इनकी वीडियो में कमेंट करते रहिए कि हम आपको कौन सा ज्ञान चाहिए, उसके बारे में आपको ज्ञान देंगे, और लाइक करिए, शेयर करिए राम फिटनेस चैनल, ठीक है जी? ओके, धन्यवाद। तो भाई आज चेस की वर्कआउट है, चेस कर रहे हैं तगड़ी वाले, इसमें आपकी सपोर्ट कर रहा है, एक प्लेट वेट लगा लगाने पर काम पाता है, इसमें कोशिश नहीं है ये देखते हो आप। तो आप चेस की फुल वर्कआउट देखोगे, इतनी वर्कआउट करनी चाहिए बिगनर लोगों को, और बॉडी बिल्डर जो ज़्यादा ऊँचे लेवल पर होते हैं कितनी उनको फिर करनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर बिगनर होते हैं वो हाथ में वैसा ही करते हैं, इतनी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे फॉलो करो, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, विभिन्न लोगों का कैसे करने से ज़्यादा फैक्ट मारेगा चेस्ट पे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। इससे आओ दिखाता हूँ, मैंने अभी फ्लैट लंच करी थी, इस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए आपकी पकड़, वैसे एक जगह जा रही है तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, एक जगह ही जाना चाहिए, और ऐसे उठा रहे हो तो ऐसे ही आनी चाहिए, अभी जरूरत करोगे तो फिर फैक्ट नहीं बढ़ेगी, मिनिमम आनी चाहिए, तो इसको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी आपको। गाइस मैंने इसके अभी 4 सेट 4 चलने वाला है, 3 सेट मार चुके, तो पहले मैंने 10 से मारा, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, अब मेरा 4 सेट होने वाला है, तो इतना वेट आपको नहीं मारना है, कैपेसिटी के हिसाब से मारना है, जितना आप उठा पाओ, जितना आप लिफ्ट कर पाओ, ये नहीं कि आपने वेट बढ़ लिया, वेट मारने से बॉडी नहीं बनती है, मतलब वो टारगेट करना पड़ता है। स्टार्ट। तो गाइस फ्लैट बेंच कंप्लीट हो गई, अब इंक्लाइन बेंच करेंगे, इसके भी 10-10 के 4 सेट करेंगे, और 10 से शुरू कर चुके हैं, तो इसके भी 4 सेट कराएंगे, आओ दिखा दें आपको। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, और ये क्रॉस ओवर डिक्लाइन के लिए, जैसे लोअर चेस्ट होती है इसमें काम करता है ये, तो ये बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो जैसे कि आपने इंक्लाइन देखा, मैंने 4 सेट उसके लगाए थे 10-10 के, 4 सेट इसके लगाऊँ मैं 10-10 के, तो आप फॉलो करते रहिएगा और देखते रहो वीडियो। तो गाइस ये है बटरफ्लाई, और इसके भी 4 सेट करेंगे, बेसिक एक्सरसाइज होती है बिगनर लोगों के लिए, ज़्यादा जल्दी फैक्ट आता है इसे करने की चेस्ट पर, तो हर किसी को सूट करती है ये, तो इसको ज़रूरी है करना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये भी 10-10 के 4 सेट, 10-8 6 तक रैप निकाल लें, हैवी वेट होगा तो 6 रैप निकाल दो, उससे ज़्यादा हैवी होगा तो 5 रैप, इससे ज़्यादा कम मत निकालो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। राम काज है तो हनुमंता, बल शक्ति कर पूर्ण प्रयोक्ता, गाथा महाबली हनुमत की रुच कर लीला राम। गाइस इसकी मूवमेंट जो होती है उसका भी वो करना है, इसकी बेंच ये है अवेलेबल होती है, तो इसको अपनी हाइट के हिसाब से सेट करना होता है, मेरे को मूवमेंट नहीं आएगी, मूवमेंट शोल्डर पर निकल जाएगी,
यहाँ पे लोअर चेस्ट है, यहाँ पे इधर उधर। अगर मैन को करना है तो अपनी हेड के हिसाब से इसको सेट करना है। आपकी जिम में ट्रेनर या फिर जैसे कि आपका दोस्त होगा, जैसे को उसको सब पता होगा, तो उससे सलाह जरूर लें या फिर ट्रेनर से सलाह लें, और मेरे को आपको कोई फायदा नहीं होगा फिर से करने का। या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए।